हेलो गाइस, मैं अमित कोचर एडवोकेट हूँ। वैसे तो एडवोकेट हूँ, पर किताबें पढ़ के थोड़ा आयुर्वेद का ज्ञान है, ऐसी किताबें पढ़ के तो थोड़ा सा आपको बेसिक आयुर्वेद का पता बाबी और चला। किताब दर्शी फिर इसका नाम क्या है? भैंस्य राज रत्नावली, इसके अंदर दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, चूर्ण कैसे बनते हैं, असफ कैसे बनते हैं, उसकी लिस्ट है। अब आपको आयुर्वेद का बेसिक बता देता हूँ। आयुर्वेद कहता है कि हमारा जो शरीर है वो पंचभूत चीज़ों से बना है, पांच चीज़ों से बना है, बल्कि हमारा शरीर नहीं, पूरा वर्ल्ड ही पांच चीज़ों से बना है। वो क्या है? पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। इन पांच चीज़ों से हमारा शरीर बना है, पांच चीज़ों से वर्ल्ड बना है। ठीक है, तो हमारे जो बॉडी है उसके अंदर ये पाँचों चीज़ें हैं। जब भी इन पाँचों चीज़ों में इम्बैलेंस होगा, ऊपर नीचे होगा, तो हमारी बॉडी बीमार पड़ेगी। वो इम्बैलेंस किन किन चीज़ों से हो सकता है? बॉडी के अंदर तीन तरह के दोष हैं, वात, पित्त और कफ। वात का मतलब वायु, पित्त का मतलब अग्नि, कफ का मतलब इन दोनों का मिश्रण जो जल के रूप के अंदर है, कफ। अब क्या इन वात, पित्त और कफ में जब इम्बैलेंस होगा तो बॉडी बीमार पड़ेगी। वो कैसे होगा इम्बैलेंस? सबसे पहले तो इम्बैलेंस होगा आपके एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के हिसाब से। जैसे कि जब सर्दियाँ होती हैं तो कफ के रोग होंगे, क्योंकि वातावरण के अंदर कफ की मात्रा बढ़ गई है। एनवायरनमेंट के अंदर सर्दी की वजह से कफ बढ़ गया, तो आपकी बॉडी में भी कफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे समय पे गर्म तासीर की चीज़ें खाई जाती हैं ताकि कफ की मात्रा को कम किया जाए। समर मंथ्स में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर पित्त बढ़ जाता है, क्योंकि अग्नि बढ़ जाती है। क्योंकि गर्मी हो गई तो अग्नि बढ़ गई, सर्दी हुआ तो जल का वो बढ़ गया। जब अग्नि बढ़ती है तो अग्नि से रिलेटेड रोग होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपको ब्लोटिंग होगी, आपको जलन होगी, बॉडी आपकी गर्म गर्म लगेगी, तो पित्त बढ़ गया आपका। उसका इलाज क्या है? आप ठंडी तासीर की चीज़ें खाएं तो आपको ठंड हो गई। जब एयरी मंथ्स होते हैं, जब हवा बहुत ज़्यादा चलती है, ऐसे दौरान आपकी बॉडी के अंदर वात बढ़ जाएगा। वात का मतलब वायु की मात्रा बढ़ जाएगी। वायु सबसे बुरी चीज़ है। वायु से 80 प्रकार के रोग होते हैं, पित्त से 40 प्रकार के रोग होते हैं, और कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं। आप अंग्रेज उसको किस कुछ भी नाम दे दें, लेकिन टोटल वो 80 ही तरह के रोग होते हैं। वायु बढ़ने से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर गैस बढ़ जाएगी, और गैस की मात्रा जब बढ़ेगी तो उससे रिलेटेड आपको रोग होंगे। आपकी बॉडी में गैस बढ़ जाएगी, आपका पेट फूल जाएगा, आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपके बॉडी पार्ट्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वायु ज़्यादा बढ़ने की वजह से प्रेशर डेवलप होगा बॉडी के अंदर। तो उस वात को कम करने के लिए आपको वात को कम करने वाली औषधियाँ जो घर में हैं, जैसे अजवाइन हो गई, ऐसी चीज़ें, हींग हो गई, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे वो वायु कम हो जाए। तो सारा का सारा आयुर्वेद बेस्ड इसी तीन चीज़ों पर है। जब वो आदमी हेल्दी माना जाएगा जिसकी वात, पित्त और कफ ये तीनों बैलेंस रहेंगे, क्योंकि ये दोष भी हैं और ये मेन एलिमेंट भी हैं जो बॉडी को चलाते हैं। क्यों? अगर अग्नि का काम है, पित्त का काम है आप जो खाना खाते हो उसको बॉडी में पचाना। अगर अग्नि नहीं होगी तो आपका खाना बॉडी में पचेगा नहीं। तो अग्नि को भी बिल्कुल हम जीरो नहीं कर सकते। अगर आपकी बॉडी में वायु नहीं होगी, अगर आपकी बॉडी में वात नहीं होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो वायु है वो घूमती है, तो वो आपके बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हर पार्ट तक पहुंचाती है। और कफ जो अगर आपकी बॉडी के अंदर नहीं होगी तो आपकी बॉडी के अंदर संतुलन टाइप का नहीं आएगा। तो आप देखिए कि कितना साइंटिफिक है कि आयुर्वेद कहता है कि जैसा मौसम होगा या जैसी जगह पर आप रहते हैं वैसी आपकी तबीयत होगी। अब पित्त प्रवृत्ति वाले, अब आयुर्वेद कहता है कि आप इलाज करते हो तो एक तरह का आदमी नहीं, इंसान नहीं होता। दुनिया में जितने इंसान हैं वो तीन प्रकृतियों के अलग अलग होते हैं। बाई बर्थ माँ के पेट के अंदर कोई पित्त प्रवृत्ति का पैदा होगा, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर हीट एलिमेंट ज़्यादा होगा। कोई वात प्रवृत्ति का पैदा होगा, उसकी बॉडी के अंदर वायु ज़्यादा होगी। और कोई कफ प्रवृत्ति का होगा, जिसको जिसकी बॉडी के अंदर कफ ज़्यादा होगी। तो जो आपने इलाज करना है वो ये पहले चेक करना है कि बंदा पित्त वाला है, वात वाला है या कफ वाला है, उसके हिसाब से आपने उसको दवाई देनी है। ये आपको कैसे पता चलेगा? एक तो आपको नाड़ी देख के पता चल सकता है, दूसरा कुछ सिम्टम्स हैं। अगर किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है तो इसका मतलब उसका पित्त है। अगर किसी को सर्दी ज़्यादा लगती है, जल्दी नज़ला जुकाम होता है, तो उसका कफ है। अगर कोई बिल्कुल घूमता रहता है, एक जगह बैठ नहीं पाता, उसका मतलब उसकी बॉडी में वायु ज़्यादा है। तो दवाई उसी हिसाब से दी गई है। अब जो हमारी बेस्ट बुक है अष्टांग हृदयम, वो क्या कहती है कि बिना कोई दवाई खाए, बिना कोई चीज़ खाए आप अपनी प्रवृत्ति को कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे इलाज कर सकते हो? सपोज आप पित्त प्रवृत्ति के हो,
यानी कि आपकी बॉडी हीट वाली है, आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, आपको पसीना ज़्यादा आता है, ऐसे में आपका पेट खराब रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, आपको ब्लोटिंग होगी, आपको एसिडिटी होगी, आपके बाल झड़ेंगे, ये लक्षण है, क्योंकि जो अग्नि है आपकी बॉडी की वो आपकी बॉडी को जला रही है अंदर से। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उपाय जो मुझे लगा बड़ा अच्छा है, अगर आप पित्त प्रवृत्ति के हो, आप किसी हिल स्टेशन में मूव हो जाओ जहाँ कफ की मात्रा ज़्यादा होती है, हमेशा ठंड होती है, ठीक है, तो आपका पित्त अपने आप शांत हो जाएगा। हिल स्टेशन में मूव नहीं हो सकते, किसी बड़े से तालाब या नदी के पास अपना घर बना लो आप, तो वो जो नदी और तालाब की ठंडक है वो आपकी बॉडी को पित्त को अपने आप शांत कर देगी। अगर आप कफ प्रवृत्ति के, आपको ठंड ज़्यादा लगती है, तो आप गर्मी वाली जगह पे मूव हो जाओ, तो गर्मी वाली जगह में आपका कफ अपने आप नाश हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपकी हेल्थ एक जगह से दूसरी जगह मूव होने पे चेंज होती है। अगर आप गर्म जगह पे जाते हो और आपकी बॉडी ऑलरेडी गर्मी वाली है, तो आप ज़्यादा बीमार पड़ोगे, ठीक है। और अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ एयर ज़्यादा चलती है, जहाँ पे हवा की मात्रा ज़्यादा है, तो आपका वात ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसकी पहले नॉलेज होना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है। लेकिन कलयुग में प्रॉब्लम ये है कि जो लोग पैदा हो रहे हैं वो प्रॉपर वात, प्रॉपर पित्त और प्रॉपर कफ के नहीं हो रहे हैं, वो मिक्स हो रहे हैं, वात पित्त हो रहे हैं, ठीक है, पित्त कफ हो रहे हैं, मतलब प्रॉपर पित्त वाला भी नहीं मिलेगा आपको, प्रॉपर वात वाला भी नहीं मिलेगा। तो भाभी वो क्यों नहीं, कलयुग जितना क्यों, क्योंकि क्योंकि खान पान और एनवायरनमेंट ऐसा हो गया, पोल्यूशन ऐसा हो गया कि प्रॉपर जो सतयुग में जब किताबें लिखी गई थी उसके हिसाब से बंदा नहीं बन रहा, माँ के पेट में जो माँ का खान पान है उसके अंदर मिक्सिंग हो रही है। अब ये डिफ़िकल्ट हो गया, डिफ़िकल्ट इसलिए हो गया क्योंकि जब अगर एक बंदा पित्त और वायु दोनों का बना हुआ है तो उसको डायग्नोस करना और उसका इलाज करना मुश्किल हो गया। तो पहला तो इलाज मैंने आपको बता दिया, एनवायरनमेंट चेंज करो, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। सेकेंड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो फूड। पित्त वाले को गर्म तासीर की चीज़ नहीं खानी चाहिए, वायु वाले को ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जो वायुवादी हो, कफ वाले को ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जिसकी तासीर ठंडी हो। ये हम नहीं मानते, जो हमारे मुसलमान भाइयों जिस चीज़ को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं यूनानी मेडिसिन, वो यूनान से आई है, ग्रीस से आई है, उसकी भी सेम चीज़ है, ठंडी तासीर, गर्म तासीर, चीज़ें भी सेम है, सब कुछ सेम है, ट्रीटमेंट भी हमारा सेम है। तो अच्छा, अब क्या है आयुर्वेद, क्या करता है आयुर्वेद? कुछ नहीं करता, सिर्फ आपकी बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है। आपकी बॉडी अपने आप को खुद हील करेगी, वात पित्त और कफ को खुद बैलेंस करती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन उसको सपोर्टिंग का काम करती है। तो आपको एक तो ये हो गया, दूसरा अगर आपको बॉडी को अपने ठीक रखना है तो सबसे ज़रूरी है खान पान। आपको ऐसा खाना नहीं खाना जो आपकी प्रवृत्ति को ख़राब करे। पित्त वाले को पित्त वाला ज़्यादा खाना नहीं खाना, कफ वाले को कफ वाला ज़्यादा खाना नहीं खाना। अगर इनसे भी ठीक नहीं होता है, फिर आपको किसी कुशल आयुर्वेद से मिलकर आपको इसकी औषधि लेनी है, ताकि आपकी जो बीमारी है या जो वात पित्त और कफ है वो शांत हो जाए। सबसे आसान तरीका है योगा आसन। योगा के जो बड़े बड़े इंडिया में सन्यासी जो टीवी पे नहीं आते, कुंभ के मेले में मिलते हैं, वो ऐसे ऐसे योगा के आसन जानते हैं कि वात पित्त और कफ टोटली बैलेंस हो जाएगा, वात के 80 रोग शांत हो जाते हैं, पित्त के 40 रोग शांत हो जाते हैं और कफ के 20 रोग शांत हो जाते हैं। तो आप अगर योगासन कर पाते हो, और योगासन भी आपको अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से करना है, पित्त वाले के लिए अलग योगासन है, कफ वाले के लिए अलग, और वायु वाले के लिए अलग योगासन है। तो आयुर्वेद में और दो तीन चीज़ें दी गई हैं, एक दी गई है दिनचर्या। दिनचर्या मतलब आपको दिन कैसे बिताना है। अगर आप पित्त प्रवृत्ति के, तो आपका दिन कैसा होना चाहिए। पित्त प्रवृत्ति वाले के लिए ज़्यादा काम करना बिल्कुल मना है, पित्त प्रवृत्ति के लिए ज़्यादा सोना भी बिल्कुल मना है, क्योंकि वो ज़्यादा काम करेगा तो बॉडी में ज़्यादा हीट बनेगी और वो बीमार पड़ेगा, वो ज़्यादा सोएगा तब भी उसके लिए ख़राब है। कफ वाले वैसे ही बड़े स्लो डाउन प्रवृत्ति के होते हैं, उनको बोला जाता है कि आप ज़्यादा काम करो ताकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आए। फिर होती है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या का मतलब यह है कि किस मौसम में क्या खाना है और कैसा आपको बिहेव करना है। तो हमारा आयुर्वेद इतना डिटेल्ड है कि वो वेस्टर्न मेडिसिन की तरह एक आदमी को एक ही मेडिसिन देके ठीक नहीं करता, वो क्लासिफाई करता है वात पित्त और कफ में, फिर कफ वात पित्त कफ ऐसे करके लगभग 10 तरह के लोग बन जाते हैं, तो उसके हिसाब से दवाई दी जाती है। पर दुर्भाग्य है, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इस चीज़ को जानने वाले लोगों की संख्या बिल्कुल घट चुकी है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ बहुत हैं, पर अच्छे आयुर्वेदिक वैद्य जो हैं वो बचे नहीं हैं। थैंक यू बॉबी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਮੈਡੀਸਿਨ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਕੀ ਪ੍ਰਵਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਕੋ ਦਵਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵਾਤ ਕਿਉਂ, ਪਿਤ ਕਿਉਂ, ਕਫ ਕਿਉਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਹਾਂ ਕਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਸਾ ਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਕਾ ਜੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਕੋਸਟਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ, ਵੋ ਉਸ ਕੋਸਟਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਵਾਤ ਕੇ ਰੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਤੇ ਥੇ।
वात मतलब जो जिस जैसे दर्द हो गई बॉडी के अंदर, पेन हो गया, बहुत तरह का गैस बन गई, इसीलिए उन्होंने महारत हासिल करी है वात को कम करने में, चाहे वो मसाज करके कम करते हैं, चाहे वो और दवाइयाँ लेके कम करते हैं, क्योंकि जिस एरिया में जो चीज़ ज़्यादा होगी, अब हिल्स में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते किसी को एसिडिटी या ब्लोटिंग होगी, वहाँ होगी नहीं। अगर आपको एसिडिटी ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, आप मेरे कहने में 15 दिन के लिए हिल स्टेशन में रह लो, आपकी ब्लोटिंग होगी नहीं, क्योंकि जब एनवायरनमेंट में हीट नहीं है तो आपकी बॉडी कैसे हीट जनरेट करेगी। तो पहाड़ों के लोगों को सर्दी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनको नज़ला होगा, जुकाम होगा, नज़ले जुकाम की वजह से सर दर्द होगा उनको, ठीक है, उनको सर्दी लगेगी, लेकिन पित्त के रोग उनको नहीं होंगे। ਭਾਵੇਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਪਨੀ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਬੈਸਟ ਇਸ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੀ, ਮੈਨੇ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋ ਸਟੱਡੀ ਕੀਆ, ਕਿਸੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਬਣਾਨੇ ਕੀ ਕਲਾ, ਉਸਮੇ ਇਨਗ੍ਰੀਡੀਐਂਟ, ਕਈ ਚੀਜ਼ੇ ਮੈਟਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਯਹ ਆਰਿਆ ਵੈਦਿਆਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਹਮਾਰੇ ਇੰਡੀਆ, ਹਮਾਰੇ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਵੈਦਨਾਥ ਹੈ, वैसे ही साउथ इंडिया की बेस्ट कंपनी है आर्य वैद्यशाला। इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका खास मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो ये अवत्ती पिकट चूर्ण है, जो पित्त को ख़त्म करने के लिए, पित्त को, एसिडिटी को, ब्लॉटिंग को कम करने के लिए लिया जाता है, सबसे कॉमन, सबसे पॉपुलर चूर्ण है। तो ये इनका चूर्ण बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्होंने इलायची की जो इसमें मात्रा है वो अच्छी दी है, फाइनली इसको वो किया है। अब आप हैरान होकर सुन के कि ये वाला जो चूर्ण, इसकी 10 ग्राम की MRP 20 रुपये है, यानी कि 100 ग्राम जो है वो आपको कॉस्ट करेगा 200 रुपये का। यही रामदेव का जो 100 ग्राम है वो आपको मिल जाएगा 50 रुपये में, बैद्यनाथ का मिल जाएगा 150-200 रुपये में। उसका कारण सिर्फ ये है कि जो महंगे इसके अंदर चीज़ें डली हैं, इलायची और तेजपत्र, उनकी मात्रा का ऊपर नीचे किया गया है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी की कौन सी चीज़ अच्छी है और आपको कौन सी सूट करती है। ठीक है, ठीक है भाभी।